दोस्तों आज अपन बात करने वाले सैमसंग के एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M52। जैसा कि आपने देखा कि सैमसंग ने अभी कुछ समय पहले अपना गैलेक्सी M51 लॉन्च किया था जो कि काफ़ी सक्सेस हुआ क्योंकि इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का चिपसेट दिया गया था। तो इस बार ये लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, इसमें आपके लिए परफॉर्मेंस के लिए जिससे ही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन देंगे तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G देंगे जो कि एक 5G चिपसेट रहेगा। जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G एक 5G चिपसेट रहेगा, उसमें आपके लिए पिछली बार आपके लिए 7000mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई थी तो इस बार भी 7000mAh बैटरी ही रहेगी। लेकिन इसमें आपके लिए चार्जिंग 25W की थी पिछली बार, लेकिन इस बार ये लोग 33W की फास्ट चार्जिंग कर देंगे। उसके अलावा इसमें डिस्प्ले काफ़ी अच्छी रहेगी, वही एमोलेड डिस्प्ले इसमें रहेगी और इसमें आपके लिए प्राइस थोड़ा इसका इसी के हिसाब का रहेगा। और फ्रेंड्स इसमें आपके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया आपके लिए बड़ी बैटरी मिल ही जाएगी जैसा कि पिछली बार थी, 7000mAh से ज़्यादा बड़ी बैटरी करेंगे नहीं ये, लेकिन 25W की फास्ट चार्जिंग जैसी थी वो ही रहेगी इस बार भी। और बस इसमें इसमें आपके लिए क्या अपग्रेड मिलेगा, इसमें आपके लिए प्रोसेसर का अपग्रेड मिलेगा और कैमरा का अपडेट भी मिल सकता है। कैमरा साइज 64MP ही रहेगा, कुछ चांस हैं कि ये 108MP का सेंसर यूज़ कर दें लेकिन 64MP का सेंसर ही रहेगा। उसके अलावा आपके लिए इसमें जो चार्जिंग मिलेगी वो इंक्रीज्ड हो जाएगी, 33W की चार्जिंग हो जाएगी और इसमें आपके लिए जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। आपकी परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 750G चिपसेट लगा देंगे जो कि एक 5G चिपसेट है जिसके कारण ये 5G फ़ोन बन जाएगा, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और काफ़ी ज़्यादा और अच्छी हो जाएगी, जिससे आप काफ़ी अच्छा एक स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं इसके लिए। फिलहाल इसकी लॉन्च डेट का कन्फर्म नहीं हुआ है कि ये कब तक लॉन्च होगा, लेकिन ये लीक्स के हिसाब से जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक लॉन्च होने की डेट है, लेकिन कह नहीं सकते ये कब तक लॉन्च होगा, लेकिन 2021 में ही ये लॉन्च होगा, 2021 में ये लॉन्च होगा और जनवरी से फरवरी से अप्रैल के बीच में, जनवरी फरवरी मार्च के बीच में, इन 3 महीनों के बीच में कभी भी ये स्मार्टफोन आ सकता है।